अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कभी एक कुत्ता इंसान की जान बचा सकता है, तो आप में से कई लोग मना कर देंगे। आखिर एक कुत्ता कैसे किसी की जान बचा सकता है? पर दुनिया में ऐसे बहुत से कुत्ते हैं जिन्होंने अपने मालिक की जान बचाई है, और ऐसी वीडियोस आपको अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम बैरी की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मशहूर कुत्ता था, जिसने एक नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, पर 40 से भी ज्यादा जाने बचाई थी। ये कैसे हुआ था, ये कौन सा कुत्ता था, कैसे इसने जान बचाई थी, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सो गाइस, वापस से स्वागत है आपका और हमारा चैनल ज्ञान का चिराग में, जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि किसी ने शायद ही पढ़ा होगा और सुना होगा। बैरी डर मैस जनरेटर, जिसको प्यार से बैरी करके भी बुलाया जाता था, जिसका जन्म साल 1800 में हुआ था। बाकी बात की जाए इसकी ब्रीड की, तो यह आज के समय में सेंट बर्नर्ड कहलाए जाते हैं। बैरी एक मशहूर सैन बर्नार्डिनो हॉस्पिस में बड़ा हुआ था, जो कि अल्पाइन पीक्स पर सिचुएटेड है, जो 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पर बना हुआ है। सेंट बर्नर्ड की अपनी अलग ही खूबियां होती हैं, जिन्हें 1600 से ही कई अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। बात की जाए बैरी की, तो इनके इंचार्ज फादर लुइस थे, जिन्होंने इनको एक रेस्क्यू डॉग बनने के लिए ट्रेन किया था, और इसका नाम भी इसी पर रखा गया था। बैरी डर मैंस जनरेटर पूरा नाम था, जिधर डर मैंस जनरेटर का मतलब होता है पीपल रेस्क्यूअर। सेंट बर्नर्ड हॉस्पिस, जहां पर बैरी बड़ा हुआ था, वो एक 49 माइल्स के एक लंबे रूट के पास था, जो कि स्विट्जरलैंड और इटली को कनेक्ट करता है। अक्सर इधर से जाने वाले लोगों को कई सारे एवलांचेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी और लापता भी हो गए थे। इसी के चलते बैरी को उधर रेस्क्यू के काम पर लगा दिया गया था। वह इतना समझदार था कि मॉन्क्स के ऑर्डर्स के बिना भी वह खुद पहाड़ों पर चला जाता था और लोगों को रेस्क्यू करता था। बैरी के पास बहुत ही अच्छी स्मेलिंग पावर थी, जिसकी मदद से वह लोगों को रेस्क्यू करता था, और जब भी उसे कोई इंसान दिख जाता था तो वह भागकर मॉन्क्स के पास आ जाता था, जिसके बाद बैरी को देखकर वह समझ जाते थे कि किसी को मदद की जरूरत है, और वो उनके पीछे पीछे चले जाते थे। बैरी उन्हें खुद गाइड करके उन्हें उस लोकेशन पर ले जाते थे, उसके बाद उस इंसान को रेस्क्यू करके एक सेफ प्लेस पर ले आते थे। अपने जीवन भर में बैरी ने ऐसे करके करीब 40 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। कुछ केसेस में वह अपने शरीर का इस्तेमाल करके विक्टिम की बॉडी को गर्म रखता था, और वहीं दूसरा कुत्ता मॉन्क के पास जाकर उन्हें गाइड करता था, ताकि उस विक्टिम को मदद मिल सके। भले बैरी एक कुत्ता ही क्यों ना था, पर उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, जो कि शायद हम कभी भी बचा नहीं पाते उसके बिना। सेंट बर्नर्ड की स्पीसीज को एक बहुत ही ज्यादा अच्छे रेस्क्यू डॉग्स में माना जाता है, जहां साल 1897 में दूसरे सेंट बर्नर्ड ने एक 12 साल के बच्चे को बचाया था, जो कि ठंड की वजह से जमकर मरने वाला था, पर उस कुत्ते ने टाइम पर आकर उसको हिलाकर बचा लिया। इन पिछले कुछ सालों में अकेले सेंट बर्नर्ड ने ही करीब 2000 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें से 40 लोगों को खुद बैरी ने ही बचाया था। बैरी साल 1814 में मर गया था, जिसने अपने पूरे 14 साल के जीवन को लोगों को बचाने में लगाए थे। मरने के बाद सेंट बर्नर्ड को बैरी डॉग्स के नाम से ही जाना जाता था, और सेंट बर्नर्ड या एक्चुअल नेम 19th सेंचुरी में कुछ ब्रीडर्स द्वारा निकाला गया था, पर उससे पहले यह ब्रीड सिर्फ बैरी डॉग्स के नाम से ही जाने जाते थे। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को बाइम म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया था, जहाँ पर वह अभी भी है और लोग उसे देखने आ सकते हैं। बॉडी की स्किन को टैक्साडर्मी के थ्रू प्रिजर्व किया गया था। इसके नाम पर एक फाउंडेशन भी बनी है, जिसको बैरी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, और यह फाउंडेशन हर साल किसी एक कुत्ते को बैरी का नाम देता है, एज ए ट्रिब्यूट टू बैरी डर मैस जनरेटर। अब आज के समय में इन सेंट बर्नर्ड को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, अब ज्यादातर काम हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हो जाता है, जो कि ऐसे एरियाज में ऊपर से जाकर चेक करते हैं। बैरी के इस महान काम पर कई सारी मूवीज और बुक्स भी बनाए गए हैं। ईयर 1977 में दुनिया की सबसे जानी मानी कंपनी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन ने इस पर मूवी बनाई थी, बैरी ऑफ द ग्रेट सेंट बर्नर्ड। साल 2003 में भी एक बुक लिखी गई थी, द ब्रेवेस्ट सेंट बर्नर्ड, जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। इसी के साथ साथ साल 2013 में भी बच्चों के लिए बुक बनाई थी, डॉग डायरीज बैरी। अभी भी दुनिया भर में बैरी को याद किया जाता है अपने इन कामों के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अगर आप में से भी किसी के पास कुत्ता है, तो अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।